चैनल गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं भरवा शिमला मिर्च, और उसके लिए मैंने ये चार शिमला मिर्च ली है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको जितनी बनानी है आप उतनी ले सकते हैं। तो मैंने ये चार शिमला मिर्च ली है। तो फ्रेंड्स, हम इसको साइड से कट करके इसके बीज निकाल देंगे, तो हम आपको दिखाते हैं कट करके। तो फ्रेंड्स, मैंने इसी तरीके से सभी शिमला मिर्च को कट करके साइड से उसके बीज निकाल दिए हैं। तो अब हम इसके करते हैं स्टफिंग की तैयारी। तो फ्रेंड्स, स्टफिंग भरने के लिए हमने आलू को बॉयल होने के लिए रख दिया है, और जब अब हमारे आलू बॉयल हो जाएंगे तो हम इसको छील के एक बर्तन में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, स्टफिंग के लिए हमने लिया है टमाटर और पत्ता गोभी, अदरक को हमने ऐसे प्रेस करके लिया है, साथ में लिया है प्याज, और इधर हमने आलू को मैश कर लिया है और बॉयल करके आलू को इस तरीके से हमने मैश कर लिया है। और करते हैं हम आगे स्टफिंग की तैयारी। फ्रेंड्स, हमारा ऑयल हो गया है गर्म, और हम इसमें डालते हैं जीरा। फ्रेंड्स, अब हम इसमें सभी वेजिटेबल्स को डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू को जो हमने उबॉयल करके मैश करके रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसको चलाते हुए धीमी आंच पे हम इसको रोस्ट करेंगे सॉफ्ट होने तक। फ्रेंड्स, अब हम इसमें ये सभी मसाले डालेंगे। इसमें हमने लिया है नमक टेस्ट के अनुसार, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला, और कलर के लिए देगी मिर्च। तो फ्रेंड्स, हमारी स्टफिंग बन के हो गई है रेडी, जो हमने शिमला मिर्च में भरनी है। तो शिमला मिर्च को हमने ऑलरेडी कट करके रख लिया है। अब हम इस स्टफिंग को एक बर्तन में तो फ्रेंड्स, स्टफिंग को हमने एक बर्तन में निकाल के रख लिया है प्लेट में। तो अब हम इसको शिमला मिर्च में भरेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने शिमला मिर्च को भर के रख लिया है। हमने चारों शिमला मिर्च में जो स्टफिंग रेडी की थी वो हमने इसमें भर के रख ली है, और अब हम इसको करेंगे फ्राई। तो फ्रेंड्स, जिस कढ़ाई में हमने स्टफिंग रेडी की थी उसी कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है, और इसमें हम करेंगे अब शिमला मिर्च को फ्राई। फ्रेंड्स, हमने चारों शिमला मिर्च को डाल दिया है, और अब हमने ये लिए हैं मसाले, इससे वो सभी मसालों को मिक्स कर दिया है, और अब हम इसको इसके ऊपर ऐसे कोट करेंगे। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम चलाते हुए और शिमला मिर्च को पलटते हुए, इसकी हर साइड को पलटते हुए हम इसे रोस्ट कर लेंगे। हर तरफ से हम इसे पका लेंगे। इसी तरह से हमें इसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद पलटते रहना है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे। हमारी शिमला मिर्च बनके हो गई है रेडी, और हमने इसे घुमाते हुए चारों तरफ से पलटते हुए अच्छे से रोस्ट कर लिया है। और हमारे पास जो स्टफिंग हमने बचा कर रखी है, जो इसमें भरी थी, अब हम इसको डालेंगे इसमें। तो स्टफिंग डालने के बाद अब हम इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, पानी ऐड करने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी भरवा शिमला मिर्च बनके हो गई है रेडी, और अब हम इसमें धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनके हो गई है रेडी, और अब हम इसको करते हैं प्लेटिंग। फ्रेंड्स, हमारी भरवा शिमला मिर्च बनके हो गई है रेडी,
और हमने कर ली है प्लेटिंग। और अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ और रेसिपी के साथ और ब्लॉग के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। बाय बाय।